सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में है। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये देखो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर है OIC का सऊदी अरेबिया जेडा में। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, हमारा एम है इंटरनेशनल पीस और हार्मनी की स्पिरिट में मुस्लिम्स की कलेक्टिव वॉइस को रेज करना और ये इंश्योर करना मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, सेफगार्ड रहें। यूनाइटेड नेशंस में और यूरोपियन यूनियन में परमानेंट डेलीगेशन है OIC का, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। याद रखने वाली बात यह है कि इंडिया मेंबर नहीं है OIC का। हालांकि इंडिया में मुस्लिम्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी इंडिया मेंबर है नहीं OIC का। और उससे भी ज़्यादा याद रखने वाली बात यानी कंटेक्स्ट ये है कि पहली बार इंडिया को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का समिट ऑर्गेनाइज होगा 1-2 मार्च को, कहाँ पे? आबू धाबी में। वहीं पे भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पार्टिसिपेट करेंगी और ये पहली बार होगा कि OIC में इंडिया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट करेगा। मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन पहली बार एज ए गेस्ट पार्टिसिपेट करेगा OIC के समिट में इंडिया, और यही कंटेस्ट है। OIC में टोटल मेंबर कंट्रीज की संख्या है 57। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच को बताया कि हम जल्द ही नामीबिया से चीता को ट्रांसलोकेट करने वाले हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर। ये देखो, ये जो नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर नामीबिया से चीता को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। एक्चुअल में चीता जो है हमारे देश से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अंतिम बार चीता को देखा गया था हमारे देश में 1947 में छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद से नहीं देखा गया है। तो 1952 में हमारे देश ने चीता को लुप्त घोषित कर दिया था हमारे देश से। जो बिग कैट फैमिली है, देखो बिग कैट फैमिली में लायन, जगुआर, पैंथर और लियोपर्ड, ये सब आते हैं। बिग कैट फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट है चीता, और इसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल भी कहा जाता है। एक्सीलेंट शिकारी है और फूड चेन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है चीता के द्वारा। IUCN ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है इंडिया को। IUCN ने कहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नामीबिया से चीता को इंडिया में ट्रांसलोकेट कर सकते हो। देखो, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम की हम बात करें, ऑलमोस्ट 6 साल पहले जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कहाँ पर? देहरादून में। इस इंस्टीट्यूट ने ये प्रोग्राम बनाया था, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में देखो टोटल लागत आएगी 260 करोड़। और पहले क्या किया जाएगा? पहले 30 करोड़ की लागत से, ऑलमोस्ट 25 से 30 करोड़ की लागत से एक इंक्लोजर इस्टाब्लिश किया जाएगा। इंक्लोजर मतलब मान लीजिए ये जंगल है, जंगल के कुछ एरिया में, यानी जो नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे चीता को ट्रांसलोकेट किया जाएगा वहाँ पे एक इंक्लोजर इस्टाब्लिश किया जाएगा। इंक्लोजर का एरिया होगा 150 स्क्वायर किलोमीटर। बड़ी बड़ी वॉल्स होंगी, बड़ी बड़ी दीवारें होंगी यहाँ पे। और उसके बाद कुछ समय बाद चीता को वाइल्ड में छोड़ दिया जाएगा, यानी बिना किसी चार दीवारी के छोड़ दिया जाएगा। नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में बिल्कुल उपयुक्त जगह है चीता के ट्रांसलोकेशन के लिए, क्योंकि एक तो देखो जंगल ज़्यादा डेंस नहीं है, जंगल डेंस नहीं है तो चीता अपनी स्पीड से घूम सकता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और शिकार भी आसानी से मिल जाएगा चीता को नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसीलिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का चुनाव किया गया है चीता के ट्रांसलोकेशन के लिए। और नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, 2012 में UPSC ने यह क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा एनिमल या पक्षी नेचुरली इंडिया में मिलता है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्रिल, स्क्रिल मतलब ग्लेरी होती है, और चौथे नंबर पे स्नो लियोपर्ड। बताइए इनमें से
कौन सा पशु या फिर पक्षी नेचुरली इंडिया में मिलता हैम? चीता तो देखो मिलता नहीं हैम, अभी अभी हमने डिस्कस किया चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, और चीता को अगर आप एलिमिनेट कर दो, यानी दूसरी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दो, तो सिर्फ बच जाता है बी, 1, 3 एंड 4, बाकी सारे इंडिया में मिलते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल हायबुसा सेकंड और रुइगू एस्ट्रॉइड के बारे में है। देखो ये जो हायबुसा सेकंड मिशन है ना, ये जापान का मिशन है, इसे जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में। एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है रिगू, यहां पर देखो रिगू जो ये एस्ट्रॉइड है, इस एस्ट्रॉइड पे लैंड कर गया है हायबुसा 2 मिशन, और यही अभी कंटेस्ट है। ये जो एस्ट्रॉइड है रिगू, ये एस्ट्रॉइड अर्थ से ऑलमोस्ट 300 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, और इस एस्ट्रॉइड पे हायबुसा 2 मिशन का भेजने का मकसद ये है, ये पता लगाया जा सके कि लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है और सोलर सिस्टम कैसे बनता है। विश्वास ये किया जाता है कि इस एस्ट्रॉइड पे जब से देखो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जब से सोलर सिस्टम बनता है, तब से पानी और ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पर। तो अब ये हायबुसा 2 मिशन जापान का मिशन लैंड कर चुका है रिगू एस्ट्रॉइड पर, और वहाँ पे इस मिशन के द्वारा एक बुलेट फायर की गई रिगू एस्ट्रॉइड के ऊपर। मकसद देखो जैसा हमने डिस्कस किया, कैमरा और सेंसिंग इक्विपमेंट की सहायता से ये मिशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और अर्थ पर लौट जाएगा 2020 में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल फ्लेमिंगो काउंट के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। पहली बार हमारे देश में फ्लेमिंगोज की गिनती होगी और ये काउंटिंग की जाएगी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, कुछ एनजीओज के साथ मिलके और लोकल जो बर्ड वाचर्स हैं उनके साथ मिलके। हमारे देश में देखो फ्लेमिंगोज की 2 स्पीसीज मिलती हैं, एक ग्रेटर फ्लेमिंगो और दूसरा लेसर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है वो हाइट में बड़ा है, और ग्रेटर फ्लेमिंगोज का जो कलर है वो लाइट पिंक कलर का है, और लेसर फ्लेमिंगोज का जो कलर है वो डार्क पिंक कलर का है, और टांगे छोटी होती हैं लेसर फ्लेमिंगोज की, इसी वजह से हाइट कम होती है लेसर फ्लेमिंगोज की और ग्रेटर फ्लेमिंगोज की हाइट ज़्यादा होती है। विंटर के सीजन में यानी सर्दियों में ये जो फ्लेमिंगोज हैं वो साउथ इंडिया में माइग्रेट कर जाते हैं, और बड़े बड़े जो रिजर्वर्स हैं फॉर एग्जांपल चिल्का लेक, वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। हम बात करें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS की, ये देखो NGO है, वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO है जो हमारे देश में काम करता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में और बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में रिसर्च करने में। इस NGO को इस्टाब्लिश किया गया था 15 सितंबर 1883 को, हेडक्वार्टर है हॉर्नबिल हाउस मुंबई में। ये NGO वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की दिशा में प्रयास करता है और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में रिसर्च भी करता है, एक जर्नल भी पब्लिश किया जाता है इस NGO के द्वारा। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस NGO को साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर नीचे देखो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया गया है इस NGO को, यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन भी पूछा गया था BNHS के ऊपर 2014 में। पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। बाकी 2 स्टेटमेंट तो देखो सिंपल हैं, सही हैं, लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली तो बात ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करता है, ये एक NGO है। दूसरी बात, ये बात सच है कि इस NGO को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है इस NGO का। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और पहली स्टेटमेंट गलत होने के बाद 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, बी और सी। यहाँ पे 2 ओनली है, या तो 2 ओनली या फिर 2 एंड 3 ओनली, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। नेचुरल ट्रेल्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये पार्क है, पार्क के एक कॉर्नर में फुटपाथ होता है, और जगह जगह पे
कुछ पिक्चर लगी होगी, इन्फॉर्मेशन दी होगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसे जो भी लोग जा रहे हैं पार्क में उसे निहार सकें। तो ऐसा काफ़ी जगह होता है, नेचुरल ट्रेल पार्क में होता है, बीच के किनारे भी होता है, तो नेचुरल ट्रेल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जनरल पब्लिक के लिए इस एनजीओ के द्वारा। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस के बारे में है। देखो, इसे लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। हमारे इंडिया में देखो ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, और 60 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक लोगों की संख्या हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। हेपेटाइटिस देखो एक ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन होता है, जलन होती है। हेपेटाइटिस काफ़ी टाइप का होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। और देखो ये जो नेशनल एक्शन प्लान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसी फ्रेमवर्क के आधार पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। और ऑलमोस्ट 10 साल पहले हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सीन को इंक्लूड किया था। यानी हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन देते हैं। एम इस एक्शन प्लान का ये है कि हेपेटाइटिस से लड़ना और 2030 से पहले पहले हमारे देश में हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर देना पूरी तरह से, और बाकी जो हेपेटाइटिस के टाइप हैं, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी सी ए ई, इनकी वजह से जो लोग सफ़र करते हैं उन केसेस को कम करना और जो डेथ होती हैं उन डेथ्स के आंकड़े को कम करना। तो यह हमने डिस्कस किया आर्टिकल नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, 2017 से लेके 2020 तक का ये प्लान है। लास्ट में देखो एक छोटा सा आर्टिकल है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, छबार पोर्ट के बारे में है। छबार पोर्ट ईरान में है, लोकेशन आप देख लीजिए, ईरान में है छबार पोर्ट, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। और अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, अफगानिस्तान ने 57 टन के ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, कारपेट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स डिस्पैच किए हैं यहाँ से। तो मुंबई एयरपोर्ट पे ये जो कंसाइनमेंट है वो पहुँचेगा। तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड और ज़्यादा बूस्ट होगा इस रूट की सहायता से। पहले इंडिया ने भी सामान भेजा था, अब अफगानिस्तान ने पहली बार इस रूट की सहायता से इंडिया में अपने माल को एक्सपोर्ट किया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान ने अपना माल एक्सपोर्ट किया है छबार पोर्ट की सहायता से, फ्लेमिंगो काउंट के बारे में हमने डिस्कस किया, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना, हायबुसा 2 और रियुगू एस्ट्रॉइड के बारे में हमने जाना, नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस के बारे में हमने जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।